श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, जीवों का उपकार। प्यारी धर्मानुरागिणी जनता, चेतन आत्मा शरीर के अंदर है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर शरीर के आवरण है, अस्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के रूपों में। ये चारों किस्म के आवरण घूंघट हैं, पर्दे हैं। ये पर्दे खुल जाएं तब ईश्वर दर्शन हो जाए, चारों पर्दों से ऊपर उठा जाए तब ईश्वर दर्शन हो जाए। घमंड नहीं करो, अंतर ज्योति को ग्रहण करो, उसके अंदर अपनी चेतन आत्मा को प्रवेश कराओ और अंतर्नाद का साधन करो। इसी बात में यहाँ और वहाँ आपका कल्याण होगा। जो इस बात को जानकर भजन नहीं करते, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, शूकर श्वान श्रृगाल सरिष जन जनमत जगत जननी दुख लागी। केवल अपनी माता को कष्ट देने के लिए वे जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ईश्वर भजन करो, घूंघट के पट से अपने को ऊपर उठाओ और शून्य में योग युक्ति से प्रकाश करो। दादू दयाल जी कहते हैं, नीके राम कहतू है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपरा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, तिरवेणी तट संयम सपरा, सुंदर षणमुख जागन लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा, बिन रचना मोहन गुन गावे, नाना वाणी अनभय अपरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भगति तत यहु मार्ग सकरा। ये भी वही बात कहते हैं, घर के अंदर घर को पवित्र रखो, अस्थूल शरीर को शौचादि से पवित्र करो, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करो और उसके ऊपर से स्थूल शरीर को हटाकर, कारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से सूक्ष्म शरीर को हटाकर और महाकारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से कारण शरीर को हटाकर। पवित्रता के साथ साथ गतिशीलता न हो असंभव है। गतिशीलता से ही आवरण उतरते हैं। आवरणों से ऊपर उठकर आत्मस्वरूप में रत हो, संत लोग यही बात कहते हैं। हम लोग दैनिक साप्ताहिक मासिक और वार्षिक सत्संग करते हैं। बारंबार दोहराने से बात याद रहती है। सत्संग में ईश्वर भजन के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। आज इस समय यहाँ अखिल भारतीय साधु समाज के पुरैनिया जिला साधु समाज के संयोजक आए हुए हैं और अपना लेखबद्ध वक्तव्य भी पाठ कर सबको सुनाया है। अतएव मैं भी उक्त साधु समाज के विषय में कुछ कहूं उचित जचता है। अखिल भारतीय साधु समाज के संगठन का पहला काम साधु समाज के संभाल के लिए अपेक्षित है। हम साधु लोग अपना संभाल करके जनता के संभाल के लिए भी प्रयास करें, यह उचित और आवश्यक है। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि यह समाज उन्नति करता हुआ आगे बढ़े। यह समाज पहले अपना संभाल करे। जो महात्मा सुधरे हुए हैं उनको कुछ कहना नहीं है, जो सुधरे हुए नहीं है उनको अपना सुधार करना चाहिए। यदि गलती हो जाए तो संभालना चाहिए। साधु को वह काम नहीं करना चाहिए जो साधु के करने योग्य नहीं हो। साधु को चाहिए कि पहले अपने को संभाल लें, फिर दूसरे को सिखावें। अपने को नहीं सुधार कर दूसरों को क्या संभालेंगे। मामूली ज्ञान में हम सब जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसा मैं वैसा दूसरे। मैं सुखी दुखी होता हूँ, वह भी सुखी दुखी होता है। मैं भी दूसरे की सहायता चाहता हूँ, वह भी चाहता है। उसकी मांग के पहले उसकी पूर्ति हम करें तो परमात्मा रंज नहीं हो सकते। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करता है तो पिता खुश होते हैं,
उसी तरह एक जीव दूसरे जीव की सेवा करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करो, जीवों का उपकार करो, मैं सेवा करने से रोकता नहीं, किंतु ईश्वर भजन करो और जनता की सेवा भी करो। महात्मा गांधी जी ने बहुत भजन किया था, तब तो मरते समय मुंह से हे राम निकला, नहीं तो बाप रे बाप क्यों नहीं कहा। ईश्वर भजन नहीं करके और कामों को करना मैं वैसा ही समझता हूं जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो सब कर्म धर्म यदि जाऊं जहन राम पद पंकज भाव। ईश्वर भजन छोड़कर जनता की सेवा अपवित्र सेवा है। अपने मन की हालत देखकर जानोगे कि तुम में कितनी पवित्रता या अपवित्रता है। सेवा पहले घर से होती है। बच्चे दाने दाने के लिए तरसते हैं और अपने चले हैं जनता की सेवा करने। अपने घर की सेवा पहले करो, फिर जनता की भी सेवा करो। जो बहुत बड़े महात्मा हैं, जो ध्यान में मग्न रहते हैं, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनकी एक ही दृष्टि से जनता का क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वे जनता के लिए क्या क्या सोचते हैं करते हैं वे ही जानते हैं। नशीली चीजों को छोड़ो, मैं साधु हूँ, मुझको गृहस्थ क्यों नहीं खिलावेगा, यह दावी नहीं रखो। घर घर का मेहमान नहीं बनो, अपनी कमाई करो और खाओ। गृहस्थी में रहो या विरक्ति में रहो, काम रोजगार करो और परमात्मा भजन करो, परमात्मा भजन करो। तुलसी कर पर कर धरो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो, तादिन मरण भलो। गोस्वामी तुलसीदास जी। संत कबीर साहब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। कोई कहे कि मैं मांगता नहीं हूं तो तुम कैसे नहीं मांगते हो। तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ। जो कोई थोड़ा थोड़ा कई घरों से मांग लेता है वह विशेष भार नहीं देता है, और जो एक ही आदमी के यहाँ जाकर खाता है वह विशेष भार देता है। ईश्वर भजन करो, अपना आचरण ठीक बनाओ, अपनी कमाई करके खाओ और जनता की सेवा भी करो। गुरु महाराज के प्रतिज्ञा पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए हैं कि संत मत की उन्नति में तन मन धन से हमेशा मददगार रहेंगे। इसको मत भूलिए, संत मत की उन्नति इसलिए कि इससे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होता है। इस ज्ञान को फैलाना चाहिए, इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों है, इससे जनता का बड़ा लाभ होता है। ऐसा मत चूको कि किसी वार्षिक सत्संग में उपस्थित न हो। यह प्रवचन 52वां महाधिवेशन शिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 7/3/1960 ईस्वी को रात्रि कालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन पाठ 12 दिसंबर 2018 प्रातः कालीन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।